योग शास्त्र में कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र जी महाराज बुद्धि के विकास की चर्चा करते हुए, बुद्धि के गुणों की चर्चा करते हुए कि बुद्धि का विकास कैसे होता है, गुणों का विकास कैसे होता है, उसकी 8 सीढ़ियां बताते हैं, पगतियां, पहले ये और यही बात महामहोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज, महामहोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज अष्टदशी की सज्जा में कहते हैं। वो कहते हैं ज्ञान का विकास होता कैसे है हमारे में, बुद्धि का विकास कैसे होता है। बुद्धि का विकास करने के लिए पहली सीढ़ी उन्होंने कहा जिज्ञासा। यदि मन में तुम्हारे जिज्ञासा है तो तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, मन में जिज्ञासा नहीं है तो बुद्धि नहीं बढ़ेगी। जिज्ञासा ज्ञान की जननी है, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जिस तरह माँ के बिना बच्चे का जन्म नहीं हो सकता, इस तरह जिज्ञासा के बिना सत्य बोध का जन्म नहीं हो सकता, जिज्ञासा जननी है कहती हैं। जिज्ञासा होनी चाहिए और साक्षात शास्त्रों का जो रचना हुई है, मनुष्यों ने जो ग्रंथों की रचना की है, आत्मा परमात्मा जीव जगत, ये जिज्ञासा पैदा हुई, इसी के कारण शास्त्र रचे गए हैं। गणधर गौतम स्वामी जी का जीवन देखें, कोई भी बात देखते थे सुनते थे तो मन में जिज्ञासा होती थी, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, झट भगवान महावीर के पास जाते थे, वंदन करते, प्रभु ऐसा क्यों, इसका मतलब क्या है, छोटी से छोटी बात की भी वो जिज्ञासा पूछते थे, जिज्ञासा पैदा होती थी। और ऐसे एक नहीं, 36,000 प्रश्न जिज्ञासा पूछे तो आज भी हमारे पास है, इससे न जाने कितने बार पूछा था उन्होंने। जिज्ञासा सबसे पहले पैदा होनी चाहिए, और जिज्ञासा नहीं है तो हमारे ज्ञान का अवरुद्ध होता है, ज्ञान का विकास नहीं हो सकता भाई। जिज्ञासा ही ऐसी चीज है जो हमको सदगुरु तक ले जाती है, सम्यक दर्शन तक ले जाती है, आत्मा को परमात्मा तक ले जाने वाली कोई चीज है तो वह जिज्ञासा है भाई। और यदि सुनने के बाद पढ़ने के बाद मन में जिज्ञासा नहीं जगती तो कहते जो सुनना है, तुमने जो पढ़ा है वो पढ़ा और न पढ़ा तुम्हारा बराबर है, क्योंकि उसे तुम्हें मन में प्रश्न ही नहीं पैदा हुआ, सवाल ही नहीं पैदा हुआ, ऐसा क्यों किस लिए। अरे तुमको कभी विचार आया ये मैं जन्म से पहले कैसा था और जन्म के बाद कैसे रहूंगा, कभी जिज्ञासा जगी तुम्हारे मन में। हम आत्मा के विषय में कहती हैं जन्म मरती नहीं है, जन्म से पहले से बाद जिज्ञासा जगी, मैं इस जन्म से पहले कैसा था और इस जन्म के बाद जब शरीर जल जाएगा मैं कैसा रहूंगा, जिज्ञासा जगी तुम्हारे मन में। जिज्ञासा नहीं है तो तुम आत्म तत्व को नहीं पहुंच सकते। परमात्मा महावीर स्वामी जी भाई कहते हैं कि भाई पहले तुम्हारे मन में तुम मेरी देशना सुनो, मेरे वचन सुनो, मेरे वचन सुनने के बाद भी, मेरी वाणी सुनने के बाद भी यदि तुम्हारे मन में जिज्ञासा नहीं पैदा होगी, और जिज्ञासा कुतूहल नहीं होना चाहिए, देखो कुतूहल और जिज्ञासा में अंतर है, हम प्रश्न नहीं पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कुतूहल के कारण। कुतूहल एक अलग चीज है, वो एक मजाक में ले जाता है, वो क्षणिक होता है, वो व्यंग के रूप में भी होता है, किंतु सच्ची जिज्ञासा पैदा हो जाए, महावीर कहते हैं तब तुम मेरी बातों को समझ सकते हो। मेरी बातों को समझने के लिए भी मैं इतना जो जगत का वर्णन करता हूँ, जो इतनी देशना देता हूँ, ये भी तुम्हारे मन में जिज्ञासा का भाव पैदा करने के लिए। तुम्हारे मन में जिज्ञासा का भाव पैदा हो, अरे देखो एक न्यूटन वैज्ञानिक हम सब जानते हैं, देखो जिज्ञासा कई क्षेत्रों में होती है, सांसारिक विषयों की जिज्ञासा सांसारिक समृद्धि लाती है और आध्यात्मिक विषयों की जिज्ञासा आध्यात्मिक समृद्धि को लेकर आती है हमारे पास। जिज्ञासा के बिना समृद्धि नहीं आती। न्यूट्रल एक व्यक्ति एक पलंग के नीचे, पलंग खाट के ऊपर लेटा हुआ है, एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और लेटा हुआ ऊपर देख रहा है, पेड़ को ऊपर देख रहा है,
और उसने देखा कि पेड़ से एक फल पक गया, फल पक गया तो पेड़ से नीचे गिरा। फल पक जाता है तो पेड़ से नीचे गिरता है, और हमने बहुत बार देखा है। अब वो देखा हुआ, उसने देखा, अरे ये फल पका है और नीचे गिर गया, ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। हम उसको कहेंगे अरे बड़ा मूर्ख है, नीचे नहीं गिरा तो ऊपर जाएगा क्या, किंतु उसके मन में पैदा हो गया क्या, अरे ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था, क्यों नहीं गया ऊपर, नीचे ही क्यों आया। आखिर एक जिज्ञासा पैदा हुई, और जिज्ञासा इतनी प्रबल पैदा हुई उसकी, उसने खोज चालू की। एक बस फल नीचे गिरा, एक सामान्य घटना देखी है, कोई विशेष घटना नहीं है। और ये घटना बहुत बार हम देखते हैं, ऐसी ये घटना नहीं, ऐसी हजारों घटनाएं हम बहुत बार जिंदगी में देखते हैं, पर जिज्ञासा पैदा नहीं होती। मन में एक प्रश्न कौंधता नहीं है, एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, ऐसा क्यों, किस लिए, किस कारण से। और महावीर कहते हैं पहले प्रश्न चिन्ह लगे तुम्हारा, संसार क्या है, अरे छोड़ना न छोड़ना तो बात बात की बात है क्या, ये जिज्ञासा तो जगे, संसार का स्वरूप है क्या, ये जिज्ञासा जगी। और हम छोड़ने और न छोड़ने की बात करते हैं, और महावीर छोड़ने और न छोड़ने की बात नहीं कर रहे, जिज्ञासा पैदा करने के, इसके स्वरूप को समझो, जिज्ञासा पैदा करो, ये है क्या आखिर, हम यहाँ जी रहे हैं, उसके भी जिज्ञासा पैदा नहीं है हमारे में। और उसने देखा न्यूटन ने एक वृक्ष से फल नीचे गिरा, जिज्ञासा पैदा हो गई, और उसकी खोज में लग गया बस, और खोज में लग गया, ना रात देखता ना दिन देखता। जब जिज्ञासा सच्ची जिज्ञासा होती है ना, व्यक्ति रात खून अपना भूख प्यास भी भूल जाता है। और ऐसी जिज्ञासा लगी कि उसने खोज लिया कि नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, ये सिद्धांत उसी ने खोजा है। मैं ये कहना चाहिए कि जिज्ञासा, हम इतनी धर्म क्रिया कर रहे हैं, इतने अनुष्ठान कर रहे हैं, इतनी आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हैं, पर जिज्ञासा के अभाव में, देखो हम सब अनुष्ठान जो कर रहे हैं जिज्ञासा के कारण करें, कि जिज्ञासा के अभाव में इस अनुष्ठान करते हुए कोई जिज्ञासा पैदा हुई, और जिज्ञासा पैदा नहीं हो रही, यही हमसे सबसे बड़ी कमी है। और जिज्ञासा और पैदा भी होती है ना, कभी प्रश्न सवाल पैदा भी होता है, समझ पैदा नहीं होता, पैदा भी होता तो जान सो कैसे पैदा होता, पानी के में उठता बुलबुला कितनी देर तक रहता है, कितनी देर तक पानी में रहता है, वैसे हमारे बस थोड़ी देखते देखते ही पानी में विलीन हो जाता है, और देखते देखते हमारे मन में सवाल पैदा होता है और क्षण में विलीन हो जाता है। ये ऐसी जिज्ञासा काम की नहीं है भाई, ये जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासा तो अंतर की गहराई सी होनी चाहिए, एक तड़प और लगन होनी चाहिए, यहाँ ये क्यों किस लिए, अंतर के मन में एक कुतूहल, एक युद्ध सा हो जाए, अंतर मन बेचैन हो जाए, लालयित हो जाए, उसके बिना और कुछ को दिखे ही नहीं, नहीं ये क्यों, ये वो कहती अंतर जिज्ञासा। हमारी जिज्ञासा एक चिंगारी जैसी है, एक चिंगारी है, दिखती है और क्षण में बुझ जाती है, और जंगल में लगी हुई आग दावानल, कितनी फायर ब्रिगेड आ जाए बुझाने के लिए, वो दावानल को बुझा सकती है क्या, दावानल कितनी फायर, एक नहीं कितनी फायर ब्रिगेड आ जाए, और ये हवा भी चले उनको बुझाने के लिए, उल्टा ऐसा होता है हवा के संयोग पाकर वो दावानल बढ़ने लगता है। और चिंगारी को देखो, एक हवा का झोंका आए नहीं चिंगारी झट बुझ जाती है। हमारी जिज्ञासा चिंगारी जैसी है, चिंगारी हमारी जिज्ञासा दामानल जैसी होनी चाहिए। जिज्ञासा को तब तक शांति न मिले जब तक हमारे प्रश्न का उत्तर न मिल जाए, सवाल हल ना हो जाए। हमारे शास्त्र में उदाहरण आता है, गुरु शिशु को पढ़ा रहे थे, अच्छे से शास्त्र पढ़ाए, और पढ़ाने के बाद कहा कि भाई तेरे मन में इस शास्त्र को पढ़ने के बाद कोई सवाल पैदा हुआ है, कहते नहीं गुरुदेव कोई सवाल नहीं पैदा, सब मेरे को समझ में आ गया। तो गुरु ने, तू तो ढपोल शंख है बस, अब तू आगे नहीं बढ़ सकता, इसके रहस्यों को तू आत्मसात नहीं कर सकता। फिर दोबारा पढ़ाते हैं उसको, अब कुछ प्रश्न पैदा हुए,
कुछ कुछ हुए। अरे उसको 10 बार वही का वही शास्त्र पढ़ाया और 10 बार प्रश्न करने का था, गुरुदेव अब तो डगले के पगले कदम 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 पर एक सवाल पैदा हो रहे हैं मेरे मन में। शास्त्र पढ़ने के बाद कहते मन में सवाल ही पैदा नहीं हो रहे, ऐसा क्यों, किस लिए, किस कारण से? सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बिना सवाल के हम खा रहे हैं। कल मैंने कहा था ना, खा रहे हैं पी रहे हैं बिना भूख के, बिना प्यास के, बिना भूख प्यास के हम खाए जा रहे हैं और इसी तरह बिना लक्ष्य के हम जीवन जी रहे हैं। जीवन का लक्ष्य के विषय में भी कभी सवाल पैदा नहीं हुआ कि आखिर जीवन का लक्ष्य क्या, ये करने के बाद ये कर रहे आखिर में क्या, कोई जिज्ञासा जगी, कोई प्रश्न पैदा हुआ, आखिर क्या, ये कर लेंगे आखिर फिर होगा क्या, ये जिज्ञासा पैदा नहीं हो रही। और जब से जिज्ञासा पैदा नहीं होगी हमारे ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। कलिकाली सर्व गाये हेमचंद्रा जी कह रहे हैं, तुम बुद्धि का विकास जिज्ञासा के अभाव में नहीं कर सकते। जिज्ञासा तो प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी है। 8 सीढ़ियाँ बताती हैं वो, 8 सीढ़ी में पहली सीढ़ी है और पहली सीढ़ी का उल्लंघन के बिना तुम सीधी 8वीं सीढ़ी पर पहुँचना चाहते हो, नहीं पहुँच सकते। मैं एक बात पूछूँ तुमसे, कोई भी बात होती है तो हम कहते हैं अब तो मोक्ष चाहिए, कहते हो ना मुक्ति चाहिए। ये सुनी सुनी बातें कि मन अंतर की जिज्ञासा है तुम्हारी, मोक्ष के विषय में जिज्ञासा पैदा हुई तो फिर कैसे कहते हो मोक्ष चाहिए? मुक्ति के विषय में जिज्ञासा पैदा है तुम्हारे में, जिज्ञासा ही नहीं है भाई। मुक्ति क्या है, कैसी, किस लिए, कोई पूछे क्यों, किस लिए, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा चाहिए। अरे श्रीमद राजचंद्र जी का जीवन उठा के देखो, श्रीमद राजचंद्र जी का जीवन उठा के देखो, छोटे से 5 साल का बालक खेल रहा है अपने गांव में, छोटा सा गांव, और खेलते खेलते किसी पता लग गया उसको कि अमुक व्यक्ति गांव का गुजर गया है, बस गुजर गया है। अपने दादा से पूछने आए कि गुजर गया का मतलब क्या है, गुजर गया इसका मतलब क्या है? अब दादा ने क्या समझाया गुजर गया, उसने कहा तू खेल, ट्रॉफी चॉकलेट दी कि तू खेल और ये छोड़। खेलने लग गया, थोड़ी देर फिर आया, वो गुजर गया का मतलब क्या है? अरे 5-7 बार आता है, आखिर में दादा कहते हैं गुजर गया का मतलब ये होता है अब वो आदमी खाएगा नहीं पिएगा नहीं, उसको ऐसे बांध कर जला दिया जाएगा। अब मन में ऐसा हो गया उसके, अरे ये तो बड़ा क्रूर है, आदमी खाएगा नहीं पिएगा नहीं ऐसे बांध कर जला देगा, आदमी के साथ ऐसा व्यवहार बड़ा गलत व्यवहार है। तो उसने पता किया जलाया कहाँ जाएगा, तो शमशान में जहाँ जलाया जाएगा वो अकेला 5-7 साल का बालक अकेला बिल्कुल निडर, और पेड़ के ऊपर जाके पहुंच जाता है कि यहाँ पर जलाने उसके लेकर आएंगे और मैं देखता हूँ कि होता क्या है। और व्यक्ति है शव यात्रा ही, उसको पेड़ पर रखा और जलाने की तैयारी है, और वो देख रहा है अरे ये जलाया क्यों जा रहा है, पहले ये हंसता था बोलता था गुजर गए मतलब क्या, और उसका जिज्ञासा बढ़ती गई। देखो सच्ची जिज्ञासा होती है ना हमारी, ज्ञान के विषय में सच्ची जिज्ञासा ना हमारा ज्ञानावर्य कर्म का क्षय करती है, समझो तुम। पढ़ने से तो ज्ञानावर्य कर्म का क्षय होता है, ज्ञान के विषय में जिज्ञासा होगी तो भी हमारा ज्ञानावर्य कर्म का क्षय होगा। हमारे जो प्रकार ज्ञानावर्य कर्म बंधन है, जो ज्ञान के ऊपर आवरण आ चुके हमारे अंत ज्ञान के ऊपर, उसको हटाने के लिए भी ज्ञान की जिज्ञासा चाहिए। और वो छोटा बालक देख रहा है गुजर गए और ये ऐसा हो रहा है, अरे 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 विचार करते करते उसके इतने ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है कि उस बालक को, वो 5-7 साल के बालक को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, और जाति स्मरण ज्ञान में देखते अरे 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 मैं तो भगवान महावीर के पास था, मैंने उनसे दीक्षा ली थी, ठीक है उस समय मैंने कुछ गलती कर दी, कुछ प्रमाद का सेवन कर लिया, कहाँ तक ले गया जिज्ञासा उसको, कहाँ तक ले गई,
निडर डरा नहीं। हम दिन में भी शमशान के रास्ते से गुजरे तो डर लगता है ना, लगता है कि नहीं? डर लगता है है? और अपने को ये तुम जानती हो, डर लगता है तुम, और तुम ये जानती हो कि आत्मा अजर अमर है, डरते हो। और यदि तुम मानती हो कि आत्मा अजर अमर है तो फिर डर काहे का, डर काहे का? और यदि डर है तो तुम्हें आत्मा पर अभी विश्वास नहीं है। आत्मा पर विश्वास है कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर के बाद मैं रहूंगा और शरीर से पहले भी मैं रहूंगा, इसका बोध नहीं है क्योंकि जिज्ञासा नहीं उठी। और दिन में भी डर रहे हो तुम, और रात के अंधेरे में जाना पड़े तो अकेले शमशान के रास्ते से गुजर के देखो, गुजर जाओगे कि साथ में दो चार कुछ और लोग चाहिए भाई गुजरना है तो? अकेले जाओगे क्यों है? क्यों डर जाएगा? अरे तुम तो आत्मा को कोई डरा नहीं सकता, कहती है ना गीता, तलवार काट नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, तो फिर क्या बात है? फिर क्योंकि फिर डर जाएगा? और महावीर की बात पर भी तुमको विश्वास नहीं, अरे कोई डराएगा क्या? मेरे ही कर्म कह गए ऐसे उदय का कोई हमला करेगा, और मेरे ही कर्म का उदय नहीं होगा तो कोई हमला नहीं करेगा, ये भी विश्वास नहीं तुमको? महावीर की बात सुन रहे हो पर अभी भी महावीर की बात पर विश्वास नहीं है, हमको भरोसा नहीं है, आस्था नहीं है। सद्दा परम दुल्लाह सुन रहे हो, आस्था है क्या उसकी बात पर तुमको? महावीर की बात पर विश्वास है क्या? कहाँ विश्वास? और यदि महावीर की बात पर विश्वास है तो आदमी डरता नहीं, निर्भय रहता है। इतिहास उठा के देख लो, एक नहीं हजारों प्रसंग है, कितने कितने आपदा और विपदा है। जो महावीर के दर्शन को जानता है वो भयभीत नहीं होता, घबराता नहीं। और ये घबरा रहा है, भयभीत हो रहा है, वो महावीर के दर्शन को नहीं जान रहा है। क्या बात करते हो तुम? और हम नहीं जान पा रहे क्योंकि अभी भी हमारे मन में आत्मा के विषय में जिज्ञासा पैदा नहीं हुई कि आत्मा कैसी। और आत्मा के मन में जिज्ञासा पैदा होगी और तब तुमको समझ में आएगा, तब महावीर का दर्शन समझ में आएगा। हमारा जो भी ज्ञान है बोध है जिज्ञासा के अभाव में है, एक परंपरागत, एक सुना सुनाया है, एक रूढ़िगत है, बस एक गतानुगतिक है, अंतर का बोध नहीं है। उस बोध पर भी हमको श्रद्धा आस्था नहीं है, और आस्था तब आती है जब जिज्ञासा पैदा हो जाती है। जिज्ञासा चाहिए, और जिज्ञासा ऐसी तड़प की जिज्ञासा, बिल्कुल लगन की जिज्ञासा। विवेकानंद के पास एक व्यक्ति पहुंचा और पूछने का कहता है कि आपने, मैंने सुना है कि आपने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, आप भगवान को जानते हो, आप दूसरों को भी भगवान के दर्शन करा सकते हो, मैं चाहता हूं कि मेरे को भी आप भगवान के दर्शन कराएं, और यदि आप मेरे को भगवान के दर्शन नहीं कराते तो मैं समझूंगा कि आप झूठ बोलते हो, आपको भगवान के दर्शन हुए नहीं है। विवेकानंद ने कहा ठीक है, तुम भगवान के दर्शन करा कर ना, हाँ मैं करा देता हूँ, कोई चिंता नहीं, पर अभी अपन पहले शुद्ध होकर रहे, तू भी सामने गंगा नदी है, अपन डुबकी लगाए, तू भी डुबकी लगा, मैं भी डुबकी लगाऊँ, अपन दोनों डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगाने के बाद शुद्ध होकर नहा धोकर बाहर में आती है, उस समय मैं तेरे को दर्शन कराऊंगा परमात्मा के। अरे परमात्मा का दर्शन करना, पहले डुबकी तो लगा गंगा में। विवेकानंद ने डुबकी लगाई और साथ में व्यक्ति ने भी डुबकी, दोनों ने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद जब अंदर गहरे में गए, विवेकानंद ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है, गले से पकड़ लिया है, ऊपर से पानी, और इतने पानी के गहरे में विवेकानंद ने पकड़ लिया है। और विवेकानंद बड़ा बलिष्ठ शरीर, वो तो तैरना अच्छा जानता है, और साथ का जो व्यक्ति है वो तैरना भी में भी इतना कुशल नहीं है। अब उसको घबराहट पहचानी, बहुत छटपटाता है, किस तरह ये व्यक्ति मेरे को छोड़ दे, सारी शक्तियां जो सोई हुई शक्तियां थी वही सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं इस समय में।
और सारी शक्तियों का एड़ी से लेकर चोटी तक का जोड़ उसके पंजे से बचने के लिए निकाला, क्योंकि अब उसको सामने मौत दिख रही है। कह रहे, ये व्यक्ति ने तो मेरे साथ धोखा किया, मैं तो आया था परमात्मा भगवान का दर्शन करने के लिए और ये कहां मेरे को लेकर आ गया, और अब इसके पंजे से निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और उस समय व्यक्ति कैसा तड़पेगा और कैसी अपनी शक्तियों का जोर लगाएगा उसके पंजे से छूटने के लिए, उसके हाथों से बचने के लिए, कि मैं से छूटकर एक बार ऊपर आ जाऊं। पूरा का पूरा जीवन दांव पर लगा देगा आदमी उस समय। उसने जब शक्तियों को लगाया तो थोड़ी देर बाद विवेकानंद ने उसको छोड़ दिया और छोड़कर ऊपर आया, और आते ही जब किनारे पर आया है उसी समय विवेकानंद यहाँ पर बड़ा गर्म हुआ। अरे, तुमको नहीं आता तो जजब आप, ये तुमने क्या किया मेरे साथ, सन्यासी के वेश में हो कौन तुम? विवेकानंद ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ और बैठे, चाय पानी कराया विवेकानंद को। बैठने के बाद कहा कि भाई, मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ, जब पानी में मैं तू था और मैंने तेरे को पकड़ लिया था उस समय, और तू छटपटा था उस समय, तेरे मन में क्या भाव था, क्या भाव होगा उस समय, उसके मन में क्या भाव होगा, कल्पना तो कर सकते हो ना क्या होगा भाव उसके समय है? हाँ, कैसे किसी भी येन केन प्रकरारेन, मैं बस बाहर आ जाऊँ उसके चंगुल से छूटकर, और सारी शक्तियों का, जितनी शक्ति हम कहते हैं ना मेरे शरीर में इतनी शक्ति है, और उस समय शक्ति बढ़ जाती है, न जाने कहाँ से शक्ति आ जाती है। बुखार में भी शक्ति आ जाती है, और वैसे कहते हैं मैं चल नहीं सकता, बुखार है, कमजोर है, उस समय सारी कमजोरियां भी दूर हो जाती हैं। नहीं कहता, एक बार मैंने कहा था सारी कमजोरियां शेर को देखकर कैसे दूर हो जाती है, भागना चालू करता है, एक बार कह चुका हूं मैं। और ऐसे ही सारी शक्तियों का प्रयोग छूटने के लिए कर देता है, और एक ही तमन्ना, एक ही विचार, मैं छूटूं। और यही बात उसने विवेकानंद को कही कि उस समय तो मेरी ऐसी हालत थी। विवेकानंद ने कहा, ये तेरे को मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा है। तेरा प्रश्न क्या था, क्या पूछा था उसने विवेकानंद से? हैं, भगवान के दर्शन की बात की थी। उसने कहा था, जिस समय तेरी ऐसी तड़प, ऐसी जिज्ञासा क्या तेरे भगवान के दर्शन करने के लिए है जैसी पानी से बचने के लिए अंदर थी, और ऐसी तड़प, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी लगन होगी तो तेरे को दर्शन होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। ऐसी लगन है, ऐसी तड़पन है, ऐसी जिज्ञासा है, क्या बात करती हो, जिज्ञासा चाहिए, ज्ञान बाद में, ये क्रियाकांड अनुष्ठान सब बाद में, इतने क्रियाकांड अनुष्ठान करने के बाद भी जिज्ञासा का अभाव है। और कह रहे हैं कि पहले जिज्ञासा चाहिए। हम सुन रहे कल कथानक था बच्चा पुत्र का, उसके मन में भी एक जिज्ञासा पैदा हो गई, एक छोटी सी जिज्ञासा, छोटा सा बालक, दो चार साल को, उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई, और जिज्ञासा पैदा यही हुई कि मैं मरूं नहीं और मां रोए नहीं, ये जिज्ञासा थी ना कल की, याद है कि नहीं है, कि भूल गए है? हाँ, तो जिज्ञासा, और ये जिज्ञासा, अरे अब तो एक बचपन में ये जिज्ञासा पैदा हुई है और बढ़ती बढ़ती गई, 32 कन्याओं के साथ उसकी माँ ने उसका पानी ग्रहण संस्कार कर दिया है। कितने सुख सुविधा संपन्न है, और 32 कन्याओं के लिए 32 महल बनाए हैं उसकी माँ ने, इतनी समृद्धि है उसके पास, एक एक कन्या के लिए एक एक महल, एक एक कमरा नहीं महल, अलग अलग के लिए 32 कन्याओं के लिए 32 महल, कितनी समृद्धि होगी, कितना वैभव होगा, कितना ऐश्वर्य होगा, इतने ऐश्वर्य को मैं कह रहा था, इतने हम एक को पाकर सारे संसार को भूल जाते हैं, अपनी सारी शुद्ध बुद्ध खोल बैठते हैं। क्यों प्रदीप, ठीक है नहीं? एक को पाकर पूरी शुद्ध बुद्ध खोल जाते हैं, जो सपने थे पहले पता नहीं कहां, जो ज्ञान था पहले अब पता नहीं कहां चला जाता है।
जो पहले सीखा हुआ था अब याद है, उतना याद नहीं है। एक को पाने के बाद इसने तो 32 को पाया है, और फिर भी अभी भी 32 को पाने के बाद वो जिज्ञासा अभी भी है। अरे अरे, वो मैं मरूं नहीं और माँ रोए नहीं, अभी भी मन में जिज्ञासा है। जिज्ञासा इतने वर्षों के बाद भी जिज्ञासा बढ़ रही है, बढ़े। इसको कहते हैं अंतर की जिज्ञासा, आंतरिक जिज्ञासा, बाह्य जिज्ञासा नहीं। मन से अंतर से पैदा हुई वह जिज्ञासा है, और वह जब तक मिलेगी नहीं तब तक शांत होगी नहीं। और यदि प्रश्न किसी दूसरी बात से शांत हो जाए तो समझना वो जिज्ञासा अच्छी नहीं, शांत नहीं है भाई, वो जिज्ञासा अंतर की नहीं है। बच्चा रोए और माँ माँ पुकारे कि माँ चाहिए, माँ चाहिए, माँ चाहिए, माँ चाहिए, माँ चाहिए, हैं, माँ चाहिए, और माँ माँ को कोई काम हो दूसरा, और माँ एक खिलौना छेना बजाने वाला उसके हाथ में दे दे, तो बच्चा क्या करता है, हैं, क्या करता है, हैं, हैं, खेलने लग जाता है ना, और माँ को भूल जाता है कि नहीं, माँ को भूल जाता है और खेलने में खूबसूरत हो जाता है। हमारी भी जिज्ञासा ऐसी ही है, हमारी जो जिज्ञासा है किंतु एक ग्राहक आता है तो हमारी सारी जिज्ञासा हम भूल जाते हैं। बच्चे के जब बच्चा माँ को भूल गया, एक खिलौना मिल गया उसके हाथ में, बाबा छना छना चन 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 की आवाज आई और चाह रहा था माँ को, अब माँ को कैसे भूल गया वो खिलौने के कारण, हम भी दुनिया के खिलौने के कारण। अरे इतना ही अंतर है, उसके पास उसका खिलौना है छेने का, हमारे पास मोबाइल खिलौना है, अंतर क्या है, अंतर ज्यादा नहीं है। खिलौने का रंग रूप अलग है, तुम्हारे लिए मोबाइल खेलना उसके लिए छेना खिलौना है। तुम वो छेने पाकर भूल गए अपनी जिज्ञासा को जो चाहता था, और तुम एक मोबाइल को पाकर भूल गए, अंतर क्या रहा दोनों में। और तुम अपने आप को बड़े समझो, ये बच्चा नादान, अच्छे इसको चलो, माँ ने भी कहा चलो बच्चा भूल गया मेरा काम हो जाएगा। परमात्मा भी कहता है तुम भी मोबाइल मेटो के परमात्मा को भूल गए, अंतर क्या है। आ रहे हो सज धज कर, पूजा की थाली लेकर, पूजा का सामान लेकर मंदिर की पूजा करने के लिए, और रास्ते में कोई फोन की और ला रहे हो, साथ में मोबाइल भी लेकर आ रहे हो कि किसी से बात भी करते जाएंगे। मोबाइल साथ में, मंदिर जा रहे हो तो मोबाइल साथ में, और मोबाइल की घंटी भी चालू है। और देखो मैं पूछूं, मंदिर आ रहे हो प्रवचन श्रवण करने और मोबाइल की घंटी चालू है, और यदि तुम किसी से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हो और तुम्हारे पास मोबाइल है तो मोबाइल की पहले घंटी बंद करके जाओगे कि चालू रखे जाओगे, हैं, हैं, बंद करके जाओगे ना, कि उसके सामने बात करते हुए ऑफिसर कोई मोबाइल की घंटी न बजे, तो तुम्हारे मन में वो ऑफिसर का महत्व है कि भगवान का महत्व है। वहां तो मोबाइल की घंटी चालू है, मंदिर में तो उपाश्रम में तो चालू है भाई, कोई बात नहीं, भगवान के पास जा रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं, वहां मोबाइल की घंटी चालू है, और ऑफिसर के पास जा रहे हैं वहां बंद करके जा रहे हैं। क्यों, किसकी जिज्ञासा है तुम्हारे मन में, किसका महत्व ज्यादा है तुम्हारे मन में, ये देखो, ये जिज्ञासा से पता लग रहा है, जिज्ञासा नहीं है। और जिज्ञासा के बिना बोध नहीं है, जिज्ञासा के बिना सदगुरु की प्राप्ति नहीं है, जिज्ञासा के बिना सम्यक दर्शन नहीं है, जिज्ञासा के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। जिज्ञासा पहली चाहिए, और जिस चीज की जिज्ञासा होती है वही चीज मिलती है। किस चीज की जिज्ञासा है तुम्हारे मन में, उसने देखा गौतम ने, गंधर्व गौतम स्वामी जी की बात कह रहा हूं तुमको, और वो देखने के बाद सीधा भगवान महावीर के पास आया और वंदन किया, और वंदन करने बाद उसे प्रश्न पूछा कि महाराज मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई है, मकरी की मेनियां ये गोल गोली क्यों होती है, लो क्या बात करते हो तुम, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गंधर्व गौतम ने, भगवती सूत्र उठा के देखो। नहीं नहीं, वो जिज्ञासा पैदा हुई तुम्हारे मन में, वो जिज्ञासा पैदा हुई, उसको कैसा किया, किंतु दूसरी चीजों पे मन में जिज्ञासा पैदा नहीं हो रही,
नए प्रिंट की साड़ी देखी, नया डिजाइन देखा, किस दुकान से लिया है, उसकी जिज्ञासा पैदा हो रही तुम्हारे मन में, ये चीज कहाँ मिलती है। ये सांसारिक सारी जिज्ञासा संसार की जिज्ञासाएं हैं, आत्मा की जिज्ञासा परमात्मा की जिज्ञासा, परमात्मा तू कैसा है, मैं मोक्ष जो चाहता हूं वो है कैसा। अरे जब मिलेगा तब मिलेगा, उसकी चिंता नहीं, समझू तो सही है कैसा, है भी कि नहीं, ये सारी बातें ही बातें हैं। ये जिज्ञासा पैदा नहीं है ना आत्मा के विषय में ना परमात्मा के विषय में। अरे परमात्मा की पूजा करते चिंतामणि पार्श्वनाथ जी, माला गिनते, उनके विषय में भी जिज्ञासा पैदा नहीं है हमको कि वो है कैसा, कि जो मूर्ति है यही ऐसा ही है वो, क्या कैसा है वो, क्या कर रहा है, ये जिज्ञासा पैदा हुई नहीं हुई, संसार की जिज्ञासा पैदा होती है। और हमारे यहाँ तावच्चा पुत्र को 32-32 कन्याओं से शादी होने के बाद भी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, उल्टा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। क्या बात करती हो, इसको कहते हैं जिज्ञासा। और जिज्ञासा कहाँ ले गई उसको, वो छोटे से बच्चे दो साल के बच्चे में जिज्ञासा पैदा हुई, और बढ़ते बढ़ते जिज्ञासा कहाँ ले गई उसको, कल मैंने बोल दिया था है, नेमिनाथ भगवान के समोसरण में ले गई। कौन लेके गया समोसरण में उसको है, जिज्ञासा लेकर के गई। क्या बात करती हो, ऐसी जिज्ञासा चाहिए जो भगवान के दरबार में ले जाए, संसार के दरबार में जाने की जिज्ञासा करते हो तो संसार के दरबार में जाओगे, परमात्मा के दरबार में जाने की जिज्ञासा है तो जो जिज्ञासा तुमको परमात्मा के दरबार में ले जाएगी, जिज्ञासा ले जाएगी तुमको, तुम जाओगे नहीं, जाओगे नहीं, जिज्ञासा लेके जाएगी तुमको, जिज्ञासा इतनी परवल होनी चाहिए। वो 2 साल का बच्चा ना समझ, अबो एक जिज्ञासा है, एक जिज्ञासा का पौधा लगाओ तुम, जिज्ञासा की बीज बो और रोज उसको खाद पानी से सींचो, फिर कैसा जिज्ञासा का वृक्ष बनता है। और उसके मन में जो एक नन्ना सा पौधा पैदा हुआ था बच्चा के पुत्र था बच्चा पुत्र के मन में, और वो आज एक वट वृक्ष बन गया जिज्ञासा का, और जिज्ञासा का वट वृक्ष परमात्मा ने अरिष्ट नेमी कुमार के समोसरण में लेकर गया उसको। क्या बात है, जिज्ञासा ऐसी चीज है, ऐसी जिज्ञासा पैदा करो। और जिज्ञासा के भाव में कुछ रस नहीं टपकेगा, और जब तक जिज्ञासा नहीं ना, तुम क्रिया करोगे, अनुष्ठान करोगे, तप करोगे, जल सामाई करोगे, प्रतिक्रमण करोगे, पर उसमें से जो स्वाद आना चाहिए वो स्वाद नहीं आएगा। स्वाद तो तब आएगा जब जिज्ञासा पैदा, और जब जिज्ञासा जग जाएगी उस समय आदमी अपने सुख और दुख अनुकूलता और प्रतिकूलता की चिंता नहीं करता, इस सवाल को हल करना है। देखो कभी बच्चा कॉमर्स का विद्यार्थी कोई सवाल को हल करने में लग जाए और उसका कोई सवाल हल नहीं रहा, इधर भोजन का समय, मम्मी बुलाए बच्चे भोजन के लिए, अरे थोड़ी देर से मेरे जो सवाल हल नहीं, मैं सवाल हल करके आता हूँ, ये तलपट बैलेंस शीट मिल नहीं रही है, मैं मिला के आ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर रुक। उसे क्यों ये बैलेंस शीट मिलनी चाहिए मेरी, और जगह में बुला रही है मम्मी, अरे थोड़ी थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर रुको, दिमाग इसमें लगा हुआ है बैलेंस शीट मिलाने के चक्कर में। ऐसा ऐसी जिज्ञासा, और फिर आदमी अच्छा उस समय यदि सर्दी गर्मी भी पड़ती हो ना, बैलेंस शीट मिलाने के चक्कर में बैठो, गर्मी में चलती हो और तुम समझो एयर कंडीशन चला गया, कूलर भी चला गया, लाइट भी चली गई, गर्मी में बैठे बैठे भी तुमको पता नहीं लगेगा गर्मी लगी है, बस बैलेंस शीट मिला रहे हो तुम, गर्मी का भी पता नहीं लगेगा तुमको। और बिना बैलेंस शीट नहीं मिलानी है ना तो लाइट चली जाए ना, बिना एसी के रह नहीं सकते। क्या बात है, जिज्ञासा ने तुमको गर्मी भी भुला दी, बैलेंस शीट नहीं मिल रही तो गर्मी भी चली गई, भले लाइट चली गई, पंखा भी नहीं है तब भी तुमको पसीना चोरा, ध्यान उधर है ही नहीं है, क्यों, जिज्ञासा है। ये सवाल हल हो जाए मेरा, क्या बात करते हो, ऐसी जिज्ञासा चाहिए। और ऐसी जिज्ञासा है हमारे थावच्चा पुत्र के पास में, ये जिज्ञासा है उसके, और नेमी कुमार के दरबार में आया, समोसरण में आया है।
और सबने आके परमात्मा को वंदन करने का बैठ गया। पहली बार आया है, कब आया है उसने? पहली बार जीवन में पहली बार आया है। और आया नहीं है, आया है ये भी गलत कह रहा हूं मैं, आया नहीं है, हैं? जिज्ञासा खींच के ले आई है उसको। कोई अज्ञात प्रेरणा है जो हमको कई बार खींच के ले जाती है, कहीं ना जाना नहीं चाहते पर चले जाती हैं। तो इस तरह वो अज्ञात जो उसके मन की जिज्ञासा थी वो उसको खींच कर ले आई है। पहली बार आया है। कितनी बार गए हम परमात्मा के दर्शन करने के लिए? कितनी बार पूजा की है? कितनी बार अक्षत के स्वस्तिक किया है? और कितनी बार धूप किया? कितनी बार पुष्प चढ़ाया है? कितनी बार अभिषेक किया और चंदन से चढ़ा के पूजा किया? कितनी बार माला की है? कितनी बार चैत्य वंदन किया है? कितनी बार किया है? कितनी बार प्रतिवन किया है? कितनी बार समय की है? और वो पहली बार गया है देखने के लिए, और कुछ नहीं, मात्र अपना प्रश्न पूछने के लिए गया, और कुछ काम भी नहीं है उसको। पहली बार गया है, उसको पता है मेरा समस्या का समाधान यहाँ हो जाएगा। पहली बार गया है। और हम कितनी बार आए हैं परमात्मा के दरबार में, हैं? कितनी बार गए हैं? कितनी बार परमात्मा की वाणी सुनी है? क्यों? तो हमारे उसमें अंतर क्या है? क्या अंतर है? विचार किया? विचार किया? विचार नहीं, क्या अंतर है भाई? जिज्ञासा का अभाव है, ये समझो तुम। और ये विनय विजय जी महाराज यही तो कह रहे हैं, यदि तुम्हारे में ये जिज्ञासा नहीं है तो शांत सुधारे सुन के करोगे क्या तुम मेरा? और यदि नहीं है तो मेरा शांत सुधारे सुनते हुए ये जिज्ञासा तुम्हारे में पैदा हो। जिज्ञासा है और फिर शांत सुधारे सुनने तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है यदि जिज्ञासा तो मेरा शांत सुधारे सुनते हुए इसको पढ़ते हुए तुम्हारे मन में जिज्ञासा पैदा हो जाए तो ये सफल हो जाएगा मेरा परिश्रम। ये चाहिए ये कह रहे हैं, और इसे बिना जिज्ञासा के हम सुन रहे हैं, बिना जिज्ञासा के हम पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए वो ज्ञान परिणत नहीं हो रहा। ज्ञान ज्ञान के रूप में परिणत नहीं हो रहा, और ज्ञान परिणत हो रहा मात्र जानकारी के रूप में, ज्ञान के रूप में नहीं। ज्ञान होना एक अलग चीज़ है, विषय की जानकारी होना एक अलग चीज़ है। ज्ञान के रूप में ज्ञान ज्ञान परिणत है। शांत रुदारस शांत रुदारस के रूप में परिणत नहीं हो रहा, मात्र जानकारी के रूप में परिणत हो रहा है। शांत रुदारस नहीं आ रहा है, जानकारी हो रही है। हाँ, विनय विजय जी महाराज ने ये कहा है, उसका परिणति नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा नहीं है। मैं कहानी जल्दी पूरी करूं, दो मिनट में कहानी पूरी कर दूं, क्योंकि दो मिनट ही बाकी हैं, तीन मिनट बाकी हैं 10:15 में। कहानी तो बहुत लंबी है, किंतु मैं आज जल्दी तावच्चा पुत्री कहानी आज पूरी कर देता हूँ, ठीक है? तावच्चा पुत्र, परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, उन्होंने आज उसी के विषय पर देशना दे रहे हैं कि जन्म कैसे होता है, मरण कैसे होता है। नसा जोनी नसा जोनी है, ऐसी कोई योनि नहीं है। नसा जाई नसा जोई नसा जाई नतम ठानम नतम कुलम, न जाया न मुआ जीवो सभ्य जीवा अनंत सो। अरे परमात्मा देश ना दे रहे हैं, अरे ऐसी कोई योनि नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है, कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसी योनि नहीं है 84 लाख जीवा योनि में, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख कप का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख पाऊ का है, 84 लाख जीवा योनियों में ऐसी कोई योनि नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, नतम थानम नतम कुलम ऐसा कोई कुल नहीं है, न जाया न भुआ यथ, कि यहाँ पर यह जीव हमारी आत्मा, जो अपनी आत्मा उसकी बात कह रहे हैं महावीर, वो आत्मा अनंत बार जन्मी नहीं हो कि मरी ना हो। अरे वो कहती है एक बार जन्म मरण की बात मत, अनंत बार तू जन्म हो चुका, अनंत बार तेरा मरण हो चुका है इस अनंत अनंत आकाश प्रदेशों में,
एक बाल के अग्रभाग जितनी भी ऐसे जगह खाली नहीं है, यहाँ पर हमारी आत्मा ने अनंत बार जन्म न लिया, मरण न किया हो। विचार करो कितनी बार जन्म हुआ हमारा, कितनी बार मरण हुआ है, किस किस गति में नहीं गए हम। परमात्मा महावीर स्वामी जी से गणधर गौतम स्वामी जी प्रश्न करते हैं, प्रभु नारकी कितनी है? परमात्मा ने कहा गोयम 7 नारकियां हैं, नरक भूमियां 7 हैं, एक के नीचे 2 दुख हैं। प्रभु इन नारकी में कितने जीव रहते हैं? नारकी में असंख्याता जीव रहती है। प्रभु मुझे ये तो बताओ कि मेरी आत्मा, गौतम स्वामी पूछ रहा भगवान महावीर से कि मेरी आत्मा इस नरक में कितनी बार जाके आई है। क्या बात, क्या पूछ रहा है? नरक के दुख कैसे, वेदना कैसे, कष्ट कैसे, वो मैं समझा नहीं रहा। 10:15 बज रहे हैं, ध्यान रखना, मेरी नजर घड़ी की तरफ भी है। सवा है वो पूछ रहे कि कितनी बार मेरे जाकर आई आत्मा, कैसे कैसे भयंकर दुख नरक के, पहली नरक के, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं नरक के, देखो कि वर्णन तो पढ़ो। मेरे का पुत्र का चारित्र सुनो, उत्तराध्यन सूत्र में सारे नरक दुखों की वर्णन है ना, जो खुद उसने भोगे है और दिखा रहा है कि देखो मैंने ऐसे ऐसे दुख भोगे है, अपने माँ बाप को कह रहा है। तो भगवान महावीर कहते हैं कि गौतम अरे तू अपनी आत्मा की बात क्या करता है, तेरी और मेरी दोनों की आत्मा, दोनों का मतलब सभी आत्माओं से है, अरे तेरी और मेरी आत्मा भी अनंत बार इन 7 नरकों में जाकर के आई है। क्या कहते हैं महावीर? तेरी और मेरी दोनों की आत्मा अनंत बार 7 नरकों में जाके आई है। क्या बात करते हैं तुम, हमारी आत्मा कितनी बार नरकों में गई है? महावीर कहते हैं मेरी आत्मा जब अनंत बार जाके आई है तो अपने अपनी आत्मा नहीं गई, सबकी अनंत बार, किंतु अभी भी हम थक गए उससे? नहीं थके, भ्रमण भ्रम से खेद नहीं हुआ, थके नहीं। और थकने के बाद ही तो ये सुनने का मजा, हम अभी भी थके नहीं हैं। ऐसे नरक की भूमियों का वर्णन करती हैं और किस तरह से बार बार से जन्म मरण से किस तरह से मुक्ति हो सकती है। और ये सारी बात था बच्चा पुत्र समझता है, हाँ था बच्चा पुत्र समझता है, तो था बच्चा पुत्र को लगा अब मुझे बार बार मरना नहीं है, और एक ही बार ऐसा मरण करूं कि बार बार के मरण से मुक्त हो जाओ। ये फुटबॉल की तरह कभी नरक में, कभी कोई किक लगाता है, कभी कोई किक लगाता है, मैं फुटबॉल की तरह ऐसे रहा, इधर गाता हूँ तो किक, इधर लगा तो पाँव से, नरक में गया तो पाँव लगे, देवलोक में गया तो पाँव, तिरंज में गया तो पाँव, ठोकरी तो खाता रहा मैं दूसरों की। नहीं, फुटबॉल को देखो, क्रिकेट को देखो, वो इधर से मार रहा, वो इधर से मार रहा, हमको भी जिस तरह से हमको लगता है गेंद को ठोकने लगो, हॉकी से लगा रहे हैं, इस तरह हमारी आत्मा को भी तो लगी है भाई। हॉकी और कुछ नहीं है, वो कर्म ही हमारे, वो बॉल कुछ नहीं है, हमारी बॉल रूप में है और क्या है। तो प्रतिबोध हो जाता है, प्रतिबोध संयम लेने की बात करता है और संयम लेके माँ को, माँ के पास जाता है, माँ उसको बहुत समझाती है, आखिर में वो संयम लेने के लिए तैयारी करता है। 32 पत्नियाँ भी उसको रोक नहीं पाती और फिर संयम के लेने के लिए उसकी माँ कहती है मैं तेरा अच्छी तेरे बरघोड़ा दीक्षा मौसम मनाना चाहती हूँ। महाराजा द्वारिका में कृष्ण वासुदेव के पास जाती है कि आप मुझको अपना छत्र दीजिए, मुकुट दीजिए, चामर दीजिए, मैं अपने पुत्र का माँ भी निष्क्रमण मौसम मनाना चाहती हूँ। कृष्ण कहता है चिंता मत कर मैं मनाता हूँ। कृष्ण आते हैं उसके घर, उसे परीक्षा लेती हैं उसकी पहले तो, कि भाई ये क्या, किसी कारण ये संसार को त्याग रहा है, परीक्षा लेती हैं। और परीक्षा में कैसे सफल होता है वो, ये सब कहानियाँ हैं। परीक्षा में सफल होकर कृष्ण भी जब हार जाते हैं, अरे क्या बात, कृष्ण ने कैसे मनाया, कैसे पूछा उससे, उसने कैसे जवाब दिए, आखिर उससे आए कृष्ण जब भी हार जाते हैं फिर कृष्ण उसका जन्मोत्सव दीक्षा मौसम मनाते हैं। एक जिज्ञासा कहाँ तक ले गई, उसको पता लग गया कि मैं संसार से थक चुका हूँ, चारों गतियों में कैसे कैसे मैंने भ्रमण किया, उसको बोध हो गया। विनय विजय जी महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि तुम थक गए ये चारों गतियों से तो मेरा शांत उदाहरण सुनो। 2 बातें कही थी उन्होंने, पहली बात कौन सी है, भ्रमण से खेल से, और दूसरी बात कौन सी, 10-20 हो गए कल करेंगे, ये तो छोटी में मैंने कहानी पूरी कर दी, नहीं कहेंगे महाराज फिर कहानी पूरी अधूरी।